हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम आलोचना करने अखिल मोहन पट्टनायक गल्प रूप नारायण साहा। यह गल्पटी संपर्क में आलोचना करने पूर्व पे गाल्पिकों संपर्क टी जा रखा। अखिल मोहन पट्टनायक ओडिया क्षुद्र गल्प क्षेत्र में होने अनन्य प्रतिभा। बास्तव संघर्षमय जीवन, संवेदनशीलता और निविड़ मानववादर मधुर समन्वय गल्पगुड़ी खूब प्रभावशाली। कहिबाकु गले दुर्घटना और मृत्यु गल्पर हो मुख्य उपजीव्य। से जड़े आईनजीवी होते निशा साहित्य कहानीधर्मी गल्पगुड़िकर मनीषर जो रहस्यमय स्थिति किपर भाव एक चूड़ांत अनुभव सृष्टि कर देखा मिलता है। रचनावली कौन रही ना झड़र ईगल और धरणीर कृष्णसार ओ अंधगली नदीर नाम गणतंत्र प्रथम और शेष एगुड़िकर गल्पग्रंथ ओ अंधगली यो गल्पग्रंथटी से उन्नीस एकाशी केन्द्र साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत होते। केवल आम तो कहले गल्पग्रंथ संपर्क कि भ्रमण कहानी रही जहाँ अन्य देश भुवनेश्वर प्रकाशित समावेश पत्रिकार अखिल मोहन पट्टनायक थे जड़े सुयोग्य संपादक। मु कहीं लेखे ये शीर्षक से निजर जो लेखकीय जीवन संपर्क से सूचना प्रदान करेखे ये प्रबंधटी पे आमर जो आलोच्य गल्प रूप नारायण साहा ये गल्पटी प्रथम गल्पगुच्छ जहाँकि झड़र ईगल और धरणीर कृष्ण सारू गृहित प्रथम गल्पगुच्छ ताकि कौन झड़र ईगल और धरणीर कृष्ण सार पाने ये तो थिला कवि संपर्क आलोचना। ठीक अच्छे, तो वर्तमान आम देखा जे गल्पटी कौन रही गल्परे कौन कह रूपनारायण साहा जो गल्पटी जहाँकि आम शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों संबंधी होच्छक चित्र जहाँ को गाल्पिक प्रदान कर गल्पर गोटे चरित्र होची मास्टर जी रूपनारायण जहाँकि नाम होची कौन रूपनारायण साहा आउ अन्य एक चरित्र अशोक। ये दुई गोटी चरित्र पे मास्टर जी रूपनारायण अशोक चरित्र को नहीं गल्पटी जीवंत। तो गल्पटी कौन रही वर्तमान आलोचना करवा। गल्पटी आरंभ होपर भाव ख्रीष्टमास छुट्टी अनेक वर्ष पर जोबले ख्रीष्टमासर छुट्टी गल्पनायक निजे अशोक तार बाल्य कौशल समय को अतिवाहित करितबा जो प्रिय स्थान बनारस को से बुलवाक जाए। बनारस रास्तार असंभव लोकर भिड़। बनारस हो कौन भारत भूमि असंख्य पुण्य कांगाल जनतार चीर ईप्सित हो बनारस। जोबले अशोक बहु वर्ष पर सी अशोक कौन कर बाल्य जीवन को कैशोर जीवन को ये बनारस अतिवाहित करवर्त समय जो बहु वर्ष पर बनारस को बुलवाक से कौन देखुचे बनारस रास्तार कौन असंभव लोकर भिड़ रही। बनारस हो भारत भूमि असंख्य पुण्य कांगाल कांगाल कहले दीन दुखी भिक्षुक जनतार हो चीर ईप्सित बनारस ईप्सित शब्दर अर्थ होंचित रास्तार पुणी सीआर सीआर हो सीआर कहले पाने लंगल गार सीआर सीआर हो लोकर धाड़ी जमी जमाट बांधि जा बरफ पर क्योंपरि देखा जा लोक मैंने भारत भूमि जो असंख्य पुण्य कांगाल जो जनतार भिड़ रही से लोक मैंने देखा जा लंगल गार सीआर गार जपर भाव थाए से हीपरी भाव लोक मैंने धाड़ी जमी कौन ना जमाट बांधि रही किपर भाव जमाट बांधि ना बरफ पर जमाट बांधला देखा जा गोटाए लाइट लाइट पोस्ट को आउजी रही अन्यमनस्क भाव चाह रही थी रास्ता को गंगा नदी कूल संध्या समय से अशोक कौन कर एक लाइट पोस्ट को आउजी की ठिया हो निज अतीतर स्मृति को से रोमंथन कर सहित तो बनारस सुंदर दृश्य को से कौन करुभव कर जमाट बंधा बरफर स्तूप जमी सूर्यर प्रथम किरण धीरे धीरे ग्लेसीयर पर प्रसरी जाए
तार प्रवाह रे संकीर्ण राजपथर प्रति वर्ग इंच को आलिंगन करी ढेर गाल्पिक लेखुचंती जेतो बेले से बनारस रो दृश्य को अनुभव करूची लोकमानंकर भिड़ जमाट बंधा बरफर स्तूप जेउपरि भावरे सूर्यर प्रथम किरण रे ग्लेशियर परी ग्लेशियर शब्दर अर्थ होउची पिला माने तुषार स्रोत बा हिम प्रवाह सूर्यर प्रथम किरण जेतेबेले से बरफर स्तूप ऊपर पड़ू ते जो हिम प्रवाह रही तुषार स्रोत रही धीरे धीरे कौन करुच्ची ना प्रसरी जाऊँ प्रसरी कहिले विस्तार लाभ करुच्ची तारी प्रभाव रे से जो तुषार स्रोतर प्रभाव रे संकीर्ण राजपथर प्रति वर्ग इंच को संकीर्ण कहिले अप्रशस्त अप्रशस्त राजपथर प्रति वर्ग इंच को देखा जाउची कि परि भाबरे जेपरि भाबरे आलिंगन करुची बोली जेतेबेले से विस्तार लाभ करुची संकीर्ण राजपथर जेतेबेले से विस्तार लाभ करुची से समय रे किपरि परिदृष्ट होउची ना जेपरि भाबरे से संकीर्ण राजपथ को तार जो प्रति कोण को प्रति वर्ग इंच को से जेपरि भाबरे आलिंगन करुची बोली मने होउची किंतु ए तो बनारस नहे जेतेबेले अशोक बहु वर्ष पर आसी देखी किंतु ये तो बनारस नुहे बनारस हूँ कौन बहुवर्ण विभूषित बहु विचित्र बनारस एपरी एक सहर भारत भूमि सहर जे कि बहुवर्ण पुणी बहुवर्ण बहु विचित्र विभूषित विभूषित शब्दर अर्थ हूँ अलंकृत बा शोभित बनारस हूँ कौन बहु वर्ण देखा मिलता है पुणी बहु रंग रे बहु अलंकार रे विचित्र यह हूँ एक स्वतंत्र बा कहवाक गले हूँ एक सुंदर बहु विचित्र बहु सुंदर बहु अलंकार रे बा आभूषित ताहूँ सहर काशी विश्वनाथ मंदिर स्वर्णचूड़ा आसन्न सन्धार मलिन आलुअ चकचक कर काशी विश्वनाथ केउठार अवस्थित बनारस अवस्थित काशी विश्वनाथ मंदिर जो स्वर्णचूड़ा रही आसन्न संध्यार आसन्न शब्दर अर्थ हूँ निकटवर्ती संध्या निकटवर्ती हो आसुच्छे जो गोधूर समय से जो संध्या आसुथार जो समय ता मलिन आलुअरे कौन कर स्वर्ण चूड़ाटी चकचक दिशुची मंदिर रास्ता होपरि ना नाती प्रशस्त ठीक से रास्तार मंदिर अल्प आग को आउ गोटे रास्ता बाहरी आउ एक उपपथ बाहरी जहाँकि एक संकीर्ण उपपथ बा अप्रशस्त उपपथ बाहरी किंतु कहवाक गले से रास्ता हूँ कौन संकीर्ण हेले दीर्घ डालमंडी सहस्राधिक बारंगनार आश्रयदात्री जहाँकि डालमंडी बारंगना कहले कौन बार विलासिनी बेस्या डालमंडी एपरी एक जगह जी कि बार विलासिनी मानू बारंगना मानक आश्रय प्रदान करश्रयदात्री बोली कहुच आश्रय प्रदान करमंडी लक्ष्य रूप पियासी नागरिक पदर जो सिक्त तीर्थ हूँ डालमंडी लक्ष लक्ष रूपर पियासी पिपासी मानकर जो नागरिक मानकर पदर जो सिक्त पदरज को जे आद्र करुची से पदरज को आद्र करुवा तीर्थ ताही हूँ कौन डालमंडी डालमंडी गोटे जगह पिला माने नायिकार आखिर बर्षार सेठी संध्या हूँ त्रस्ता मदन अर्चनार कोलाहल रात्रि सेठार निर्वासित नायिकार आखिर चाहणी से संध्या किपर भाव ना त्रस्ता त्रस्त शब्दर अर्थ हूँ भय प्राप्त त्रस्ता मदन अर्चनार मदन कहिले कोकिल बा कंदर्प अर्चन कहिले कौन अर्चना हूँ पूजा बा उपासना से जो डालमंडी ताहूँ किपर भाव ना नायिकार आखिर चाहणी से संध्या सेठे किपर थाए ना सेठे भय प्राप्त कंदर्प को जिपर भाव पूजा उपासना करते से कोलाहल से रात्रि को कौन करना निर्वासिता करवासिता कहले स्वदेशर बहिष्कृत रात्रि को सेठे कौन करते बहिष्कृत करु सेठी भी संध्या आसे किपर भाव संध्या आसे ना आतुरा नायिकार निमंत्रण भीरु आखिर इंगित आतुरा कहले कौन आतुरा शब्दर अर्थ हूँ उत्कंठित बा कातर ए उत्कंठित नायिकार निमंत्रण भीरु भीरु कहले भयालु गोटे उत्कंठित नायिका तार निमंत्रण ताखिरे भय देखा जाए तार जो संकेत इंगित से राति आसे रति क्लांत कामुकी नारीर स्वेदसिक्त आखिर पतारे पतारे रति क्लांत कामुकी रति कहले कौन अनुराग
ରତି କହିଲେ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦର୍ପ ରତି କ୍ଳାନ୍ତ କାମୁକି ରତି ଅନୁରାଗ ପ୍ରୀତି କାମୁକ କହିଲେ ରମଣାଭିଳାଷି ସେଠାରେ ରାତ୍ରି କିପରି ଆସିଥାଏ ନା ଅନୁରାଗ ରମଣାଭିଳାଷି ପରି କ୍ଳାନ୍ତ ପରି ରାତି ଆସିଥାଏ ଯେପରି ଭାବରେ ନାରୀର ସ୍ୱେଦସିକ୍ତ ଆଖିର ପତାରେ ପତାରେ ନାରୀର ଯେଉଁ ସ୍ୱେଦସିକ୍ତ ଆଖି ତା ଆଖିର ପତାରେ ପତାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ରାତିରେ ଆସିଥାଏ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଡ୍ୟାମାଇଟ୍ ତାର ନାଁ କ'ଣ ଡ୍ୟାମାଇଟ୍ ତା ନାଁ ପୁଣି ପ୍ରଶସ୍ତିର ସୀମା ଅଛି ପ୍ରଶସ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଶଂସା ବା ସ୍ତୁତି ବା ସ୍ତବ ସେଇ ପ୍ରଶସ୍ତିର କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଶଂସାର ପୁଣି ସୀମା ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଲମଣ୍ଡି ତାହା ହେଉଛି ହତଶ୍ରୀ ସଭ୍ୟତାର ଏକ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ତାହା ହେଉଛି ଡାଲମଣ୍ଡି ଡାଲବିନ୍ କ'ଣ ନା ହତଶ୍ରୀ ହତଶ୍ରୀ ହେଉଛି ଶ୍ରୀହୀନ ବା ଶୋଭାଶୂନ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀହୀନ ସଭ୍ୟତାର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଳିଆ କୁଣ୍ଡ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଡାଲମଣ୍ଡି ଏଠାରେ ବନାରସର ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ବନାରସକୁ ଗଳ୍ପ ନାୟକ ଅଶୋକ ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟ କୈଶୋର ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ବନାରସକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବନାରସ କିପରି ଭାବରେ ଶୋଭାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ସେଇ ସଭ୍ୟତା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଳିଆ କୁଣ୍ଡ ସାଜିଛି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ସାଜିଛି ଡାଲମଣ୍ଡି ତାହାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ବନାରସର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଅସମ୍ଭବ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ସେ ରହିକି ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ହତଶ୍ରୀ ସଭ୍ୟତାର ଡାଲମଣ୍ଡିକୁ 6 ବାଜିବାକୁ ଆଉ 10 ବାକି ସମୟ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ 6 ବାଜିବାକୁ ଆଉ 10 ବାକି ରହିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପନୀତ ହୋଇଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଏହିଠାରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଗାଳ୍ପିକ କିପରି ଭାବରେ ରୂପନାରାୟଣ ଶାହା ଆଉ ଗଳ୍ପନାୟକ ଅଶୋକର ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିବା ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ରହୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ